हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पूजा के दीपक में कौन कौन सी चीज़ें डालें जिससे कि भगवान जी का पूरा आशीर्वाद मिले, हर समस्या हो ख़त्म, लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो और आपके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। तो मित्रों, पूजा के समय हम दीपक तो जलाते ही हैं, लेकिन अगर दीपक जलाते समय हम कुछ बातों का, कुछ वस्तुओं का ध्यान दें तो हमें पूजा का 10 गुना लाभ मिल सकता है। इसके लिए मित्रों देखिए, कोरोना के टाइम में भगवान जी की पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक समस्याओं का हमें सामना भी करना पड़ रहा है। तो इस समय में अगर हम पूजा पाठ पर ध्यान दें, प्रभु का सिमरन करें तो सारी समस्याओं का स्वयं ही अंत हो जाएगा। तो पूजा करते समय अगर हम दीपक में 2 लौंग डाल दें, तो लौंग डालना तो शुभ होता ही है, साथ में एक और चीज़ डालें जिससे कि परमात्मा की कृपा मिले, प्रभु की सारी कृपा आपको प्राप्त हो। तो मित्रों, पूजा के दीपक में सुबह शाम 2 लौंग डालें, साथ में डालें थोड़ी सी मात्रा में कपूर। कपूर की खुशबू भगवान को बहुत अच्छी लगती है, भगवान तक हमारी पूजा आसानी से पहुंच जाती है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है। पूजा करते समय अगर आप लौंग और कपूर डालते हैं तो एक तरह से घर में हवन ही हो जाता है, जिससे भगवान जी का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी जी को वैसे भी सुगंधित वस्तुओं से प्रसन्न आसानी से किया जा सकता है। तो पूजा के दीपक में सुबह शाम आप 2 लौंग और कपूर डालें जिससे कि भगवान तक आपकी पूजा जल्दी ही पहुंच जाएंगी और आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वह ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप नौकरी अच्छी जगह चाहते हैं, धन लाभ चाहते हैं, संतान प्राप्ति की अगर आपके मन में इच्छा है तो यह सभी इच्छाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएंगी। यह छोटा सा उपाय दीपक जलाते समय, घर के दीपक में पूजा करते समय सुबह शाम 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर डालें जिससे भगवान जी प्रसन्न होंगे और उनका पूरा आशीर्वाद मित्रों आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये छोटा सा उपाय लौंग और कपूर का कुछ दिन करके देखें, आपको खुद ही अपने जीवन में बहुत सी अच्छी बातें नज़र आएंगी, बहुत से अच्छे चेंज होंगे। तो इस प्रकार मित्रों, अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर करें। जय लक्ष्मी माता दोस्तों।